हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस टाइप के वीडियो एडिटिंग करने को बताऊंगा। इस टाइप के वीडियो इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो को एडिट करने के लिए हम लोग सबसे पहले पिक्सल एप एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, और पिक्सल एप एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद हम लोग अपने नेम को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला टेक्स्ट को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे, और डिलीट करने के बाद ऊपर आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम लोग टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और इधर ए वाले ऑप्शन में आने के बाद हम लोग एडिट पे इस पर क्लिक करेंगे, और एडिट पे क्लिक करने के बाद हम लोग ये वाला टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देंगे, और डिलीट करने के बाद हम लोग यहाँ से जो आपका नाम होगा या चैनल का नाम या इंस्टाग्राम आईडी जो भी होगा, आप वहाँ पे उसको यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम अपना नाम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पे बीच में लाकर इसको हम लोग यहाँ से बड़ा कर देंगे, और इतना हो करने के बाद हम लोग इधर स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम लोग ग्रीन कलर ले लेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ग्रीन कलर का को ले लेंगे। यहाँ से आप लोग इधर स्क्रॉल करिएगा तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर मिल जाएगा, ये वाला हम लोग इसको ले लेंगे, और यहाँ से हम लोग डाउन कर देंगे। डाउन करने के बाद इधर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम लोग माई फॉन्ट में आ जाएंगे, और आने के बाद हम लोग यहाँ से एक अर्बन जंगल का फॉन्ट यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद गाइस, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा अपने नेम को स्पेलिंग को स्पेस थोड़ा सा जगह देंगे, ठीक है। स्पेस तो यहाँ पे स्पेसिंग का ऑप्शन में आ जाएंगे, और यहाँ से थोड़ा सा हम लोग अपने नेम को स्पेसिंग स्पेस दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से स्पेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से फोर्थ नंबर वाले नीचे यहाँ पे आ जाएंगे, फोर्थ नंबर वाले में आने के बाद हम लोग यहाँ पे ट्रांसपेरेंट में सेव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पीएनजी में ट्रांसपेरेंट में सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद हम लोग यहाँ से ऊपर आपको दिख रहा होगा सेव का, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, और सेव एस इमेज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम लोग इस पर क्लिक करके यहाँ से अल्ट्रा में इसको लाकर यहाँ से हम लोग सेव टू गैलरी कर देंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद गाइस, हम लोग अब अपने लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे अपने वीडियो को एडिट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद गाइस, हम लोग वीडियो को एडिट करने के लिए हम लोग लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, ठीक है। और लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद हम लोग यहां से प्लस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहां पे आपको सामने यहां पे प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग 9.16 में इसको हम लोग यहाँ से ले लेंगे, उसके बाद हम लोग क्रिएट प्रोजेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे, और प्लस पे क्लिक करने के बाद हम लोग मीडिया में आएंगे और एक क्लिप को ऐड करेंगे, ठीक है। वीडियो क्लिप को ऐड करेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ ही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस वाले क्लिप को सेलेक्ट करके हम लोग इसको 90 डिग्री घुमाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे, और आने के बाद हम लोग यहाँ से सेकेंड वाले ये वाला ऑप्शन में आ जाएंगे। आने के बाद हम लोग इसको -90 डिग्री हम लोग इसको रोटेट कर लेंगे, ठीक है। और करने के बाद फिर हम लोग थर्ड वाले ऑप्शन में आएंगे, और यहाँ से हम लोग इसको 720x1280 कर लेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ से 720x1280 हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से बैक आएंगे। बैक आने के बाद गाइज, हम लोग जो वीडियो को जो फोटो हम लोग पिक्सल लैब से एडिट किया था उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो इसको हम लोग कहाँ ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे ये जो फूल है वो यहाँ से ऊपर उठ रहा है, ठीक है। तो जहाँ से ये ऊपर उठ रहा है वहाँ पे हम लोग इसको रख लेंगे, और रख लेने के बाद हम लोग यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद मीडिया में आएंगे, और जो हमने फोटो को बनाया था पिक्सल ऐप से उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको हम लोग 90 डिग्री भी रोटेट करेंगे इसको भी, ठीक है। -90 डिग्री इसको भी हम लोग यहाँ से रोटेट कर लेंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ से जूम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद गाइस, फिर हम लोग इस वाले को अंदर ले जाने के लिए, आप देख सकते हैं ये वाला अंदर यहाँ पे नहीं गया है, ठीक है। तो इसको अंदर ले जाने सबसे पहले हम लोग इसको लेयर को हम लोग पूरा वीडियो को अंत तक कर देंगे, ठीक है। अंत तक करने के बाद हम लोग इस वाले को
अंदर ले जाने के लिए, ग्रास से अंदर ले जाने के लिए हम लोग फिर यही वाले क्लिप को ऐड करेंगे, ठीक है। तो प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया में आएंगे, मीडिया में आने के बाद फिर हम लोग यही वाले क्लिप को ऐड कर लेंगे। इसको भी हम लोग 90 डिग्री घुमाएंगे, -90 डिग्री घुमाएंगे, फिर यहाँ से इसको भी हम लोग 720 × 1280 हम लोग कर लेंगे, ठीक है। लेंगे इतना हो जाने के बाद गाइस फिर हम लोग यहाँ से एक वीडियो वाले ऊपर वाला पे आपका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर चला गया। तो इसको हम लोग नाम को, अपने नेम को दिखाने के लिए हम लोग इसमें ऊपर वाले जो क्लिप को ऐड किया था इसमें हम लोग एक इफेक्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से एड इफेक्ट में आएंगे और यहाँ से एड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने बाद ऊपर ही आपको क्रोमा की का ऑप्शन दिख रहा होगा सामने एकदम, तो इसको हम लोग यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। इसके स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने बाद हम लोग यहाँ से ग्रीन वाले जो कलर है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद इधर आपको 3 लेयर दिख रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन, ऊपर वाले पे हम लोग इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद गाइस अपने हाथों से इधर स्काई पे, इधर हम लोग अपने हाथों को इधर हम लोग फेर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो स्काई है कलर का है इधर कोने में अपने हाथों को इस तरह से हम लोग रगड़ देंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद गाइस फिर हम लोग यहाँ से बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो नाम है इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम जो है इस वाले ग्रास का अंदर यहाँ पे आ चुका है। तो गाइज हमारा यहाँ से जो वीडियो है वो यहाँ पे बन चुका है गाइज। तो हम लोग यहाँ से ऊपर एरो का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा वीडियो यहाँ पे सेव हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।